देने के लिए बोलता है, आपका दादा कौन है, दादा के नीचे कौन सा कितने भाई बच्चे हैं, उसके बच्चे के नीचे कौन कौन है, इसके बच्चे के नीचे कौन कौन है, ये फैमिली ट्री मालूम है ना सबको? हाँ तो उठाओ, मालूम है? अब हाँ जी बोलो या ना जी बोलो तो शिव जी नाराज नहीं होता है। अब हाँ जी भी नहीं बोलते, ना जी भी नहीं लगते, जी जी बोलते हैं। मुझे कैसे पता चले आप समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, अभी थोड़ा काट के चार चार, अभी आपको दिखाएंगे, आपको दिखाएंगे क्रोध का वंश, कौन सा वंश? क्रोध का वंश। कई लोगों ने हाथ उठाया था, हमको तो क्रोध नहीं आता है। ओम श्रुक्ष को देखने के बाद क्रोध के फैमिली मेंबर्स के परिचय कराते हैं हम लोगों को। आज को क्रोध का फैमिली ट्री देख लो, फिर आप पहचानो आपके अंदर क्रोध है नहीं है। क्रोध का मतलब ये नहीं समझो केवल मुख से बोलना ही क्रोध है, इसको जाकर के पत्थर मारना, मुंह से कुछ अपशब्द बोलना, मर्यादा से बात करना, आवेश में आना, यही क्रोध नहीं है। क्रोध का बाल बच्चे फैमिली है वो सब सीख। जब सबका खानदान पता चले तब आपको अनुभव में आएगा क्रोध आपके अंदर है नहीं। वो फैमिली ट्री थोड़ा लंबा है, उसका सदस्यों का परिचय आपको कराते हैं, सभी देखने का प्रयास। क्रोध का खानदान, क्रोध का बीज, क्रोध का बीज होता है माया, देह अभिमान। क्रोध का बीज क्या है? देह अभिमान। इसका फैमिली मेंबर्स को एक एक को परिचय करेंगे, फिर उसका उसका नुकसान क्या है वो भी आपको बताएंगे। तो सबसे पहले क्रोध का उसका लाडला बहन का परिचय करेंगे। क्रोध का लाडला बहन, उसका नाम है जिद। जिद संस्कार होता है, जिद्दी बोलते हैं, जिद सबको करेक्ट है, जिद कुछ कहने को भी एक तरह की क्या होते स्टबल बोलते हैं, कुछ तरह के ऑर्नमेंट बोलते हैं, उसको बोलते हैं लाडला बहन जिद। क्रोध का और एक सदस्य मेंबर का आपको परिचय करते हैं, वो है उसका पत्नी, वाइफ, पत्नी। क्रोध का वाइफ का नाम क्या है? हिंसा। और क्रोध का भाई का नाम है अहंकार। क्रोध का पिता का नाम है दर्द। क्रोध का पिताजी का नाम क्या है? दर्द। और क्रोध का दो बेटियां है, दो बेटियां, वो दो बेटियों का नाम है, एक है निंदा, दूसरा है चुगली। एक है निंदा, दूसरा है चुगली। क्रोध का बेटे के नाम है, क्रोध का सन ना बेटे के नाम है शत्रुत्व, दूसरों से शत्रुता का, क्या बोलते हैं शत्रुत्व? करेक्ट है, रिवेंज, शत्रुत्व, शत्रु बोलते हैं ना, शत्रुता। और क्रोध का बहु का नाम है ईर्ष्या। बहु, बेटा को बहु भी चाहिए ना। और क्रोध का पोती, क्रोध का पोती का नाम है घृणा। अब
और क्रोध का मां का नाम है अपेक्षा। और क्रोध का दादा का नाम है द्वेष। ये सब क्रोध फैमिली वालों का फैमिली ट्री। अभी आप सब एक बार मेरे साथ बोलो, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगता है ना क्रोध का फैमिली के सुनने के लिए। तो बोलो सभी, क्रोध का वंश वृक्ष को थोड़ा चलो, क्रोध का लाडली बहन का नाम है जेत, क्रोध का पत्नी का नाम है हिंसा, क्रोध का भाई का नाम है अहंकार, क्रोध का पिता का नाम है हर, क्रोध का दो बेटियों का नाम है निंदा चुगली, क्रोध का पुत्र का नाम है शत्रुत्व, क्रोध का बहू का नाम है ईशा, क्रोध का पोती का नाम है घृणा, क्रोध का माँ का नाम है अपेक्षा, क्रोध का दादा का नाम है द्वेष। चाहिए और भी चाहिए? बस इतना, बस इतना, बस और कुछ ऐड कर, ऐड करना है। किसी ने उत्तर दिया, भाई जी क्रोध का पोती का तो नाम बोला, पोता का नाम क्या भाई जी? ये सब अंदर हमारा मन और दिल के साम्राज्य में राज्य करता है, ये सब नृत्य करता है, राज्य करता है, एक तरह की क्या बोले किंगडम बना दिया है। बाबा बोलते हैं ना रावण अपना राज्य स्थापन कर दिया, कैसे कर दिया? हम समझते बाहर रावण का राज्य था, लंका था, रावण था, दस सिर वाले था, ऐसा। आज तो सब तरह से भी रावण मन के अंदर अपना क्या बना दिया, किंगडम, साम्राज्य, आस्थान।